27 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लगभग 60 से 65 हजार लोग जुटेंगे। ये बात स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कही। परमार ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 4.5 साल के दौरान 22 करोड़ लोग किसी न किसी योजना से जुड़े हैं। हिमाचल में ऐसी योजनाओं से जुड़कर लोग लाभान्वित हुए हैं जिनका आंकड़ा लगभग 22 लाख है। उन्होंने कहा कि अकेले सुलह विधानसभा क्षेत्र में 900 लोगों को बुढ़ापा पेंशन लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ स्वास्थ्य में कोई भेदभाव मंजूर नहीं है। इसी के चलते 400 ऐसे चिकित्सकों से जवाब मांगा गया है जो जेनरिक दवाइयों को लेकर लगातार महंगी दवाइयां लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी यदि चिकित्सक नहीं मानते हैं तो मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं पालमपुर बाईपास पुल को जल्द शुरू करने की उन्होंने बात भी कही। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में 200 लोगों की जनसमस्याएं सुनी जिनका अधिकतर मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। 27 तारीख को धर्मशाला आ रहे हैं और हमारी सरकार का एक वर्ष यशस्वी एक वर्ष श्री जयराम ठाकुर जी के अगुवाई में पूर्ण होने जा रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम श्री नरेंद्र मोदी जी के 4.5 वर्षों की ओर देखें तो 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी योजना से हिंदुस्तान के लोगों को लाभ मिला है, वो लाभान्वित हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी योजना से लाभ मिला है, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात हो। ऐसी अनगिनत योजनाएं हिमाचल प्रदेश में भी शुरू की गई है और उन योजनाओं में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही 900 लोगों को बुढ़ापा पेंशन लगी है, ऐसे हिमाचल प्रदेश में लाखों लोग हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी लाभार्थियों का सम्मेलन, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लगभग 60-65 हजार से ज्यादा लोग 27 तारीख को 10 बजे धर्मशाला पहुंच रहे हैं। बहुत उत्साह है और बहुत उमंग है, इसलिए तैयारियां जोरों पर है, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। सर, जेनरिक दवाइयां नहीं लिखने वाले डॉक्टरों की कार्रवाई की बात है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अगर कोई दवाइयों के नाम पर भेदभाव कर रहा है या महंगी दवाइयां लिख रहे हैं तो ऐसे 400 डॉक्टरों को की सूची बनाई गई है और उनको चिट्ठियां एक्सप्लेनेशन जारी कर दी है, और अब भी वो नहीं मानते हैं तो फिर जो सरकार अगला कदम उठाएगी मैं समझता हूं कि शायद वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, परंतु हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की चिंता हमारी सरकार की है। सर, पानपुर बाईपास पुल जो उद्घाटन नहीं हुआ तो कब तक होगा उद्घाटन? जल्दी हो जाएगा।